360 डिग्री पूरे मंत्रालय का मैंने राउंड लिया, कोई स्टेडियम्स मैंने नहीं छोड़ा, कोई सेंटर मैंने नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि आप देखिए कि कोई मीटिंग ऐसी नहीं दी जो कि हमारे डिपार्टमेंट की किसी भी कोई भी कमेटी की मीटिंग रखनी हो और वो हमने मीटिंग नहीं रखी होगी। एक एक स्टेक होल्डर्स के साथ हमने मीटिंग कर ली। पहली मीटिंग विज्ञान भवन के अंदर ओलंपियन प्लेयर्स द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्डीज उन सब के साथ मीटिंग की। सबको लगा कि मंत्रालय में हमको पूछा जा रहा है। दूसरी मीटिंग हमने करी स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स के साथ, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ एक नहीं दो मीटिंगें की। तीसरी मीटिंग पीएसयूज के साथ करी, चौथी मीटिंग फेडरेशंस के साथ की जो रिकॉग्नाइज थी, और फिर दूसरी फेडरेशंस के साथ भी मीटिंग करी, फिर वुमेन्स प्लेयर्स के साथ अलग से मीटिंग करी, और उसके बाद पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लगभग उसको कवर करने की कोशिश की। फिर साई के हमारे जितने भी रीजनल ऑफ डायरेक्टर्स ऑफिसर्स उन सब के साथ मीटिंग करी, और आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स मंत्रालय के पास एक बड़ा स्पष्ट खाका खींचा है। रियो ओलंपिक में ज़्यादा मेडल ना आने से जो एक चिंता व्यक्त की, उस चिंता को दूर करने के लिए हमने बहुत से स्टेप्स उठाए। कुछ स्टेप्स पहले से ही थे और कुछ स्टेप्स हमने और भी उठाए लिए। अभी आपको भी लगेगा कि मंत्रालय में बहुत सारी नई चीज़ें हैं, और वाकई में हम खेल और खिलाड़ी दोनों को बहुत महत्व दे रहे हैं। अभी हमारी जो स्कीम है वो है एथलीट सेंटर कोच लेड और सिस्टम ड्राइवन। जो हमारी टॉप स्कीम है वो मेजर इनिशिएटिव है हमारी स्कीम का, जिसमें अभी से हमने वर्क करना शुरू किया है, और उस टॉप स्कीम के माध्यम से जितने भी मेडल प्रोबेबल्स हैं उनको हम ट्रेनिंग एथलीट्स को देने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 2020, 2024 और 2028 के ओलंपिक्स की तैयारियां अभी से करें, तो उसके लिए जो टास्क फोर्स गठित हुई थी उस टास्क फोर्स ने अभी इंटरिम अपनी रिपोर्ट दी है, जो हमारी मिनिस्ट्री उसके ऊपर अपने व्यूज़ अभी देगी तो अभी जो ओलंपिक की प्रिपरेशंस हैं उस प्रिपरेशन के अंदर हम न केवल खिलाड़ियों को एक नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं, बल्कि हमने उनको कहा है कि आपको असिस्टेंट प्लस, यानी कि और भी जो फैसिलिटीज़ चाहिए हों, जिन फैसिलिटीज़ जो पहले ऐसा नहीं थी, जिस फैसिलिटी में उनको अगर पर्सनल कोच भी अपना रखना है तो वो पर्सनल कोच रख सकेंगे, जिसके अंदर उनको कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट चाहिए तो उनको वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट मिलेगा, और एक तरह से इन मेडल प्रोबेबल्स को हम लिबरल असिस्टेंस देंगे, लिबरल इसके अंदर असिस्टेंट देंगे, और इन्हीं खिलाड़ियों का जो स्टाइपेंड है वे ओलंपिक के पास 1,00,000 रुपये पर मंथ, और अगर वो इंडिया से बाहर होंगे तो $100 पर डे ड्यूरिंग ओलंपिक्स उनको दिया जाएगा। दूसरा हमारा ये है कि जैसा मैंने आपको पर्सनल कोच बताया कि एक वो कोच है जो ट्रेनिंग दे रहा है, पर एक वो भी कोच है जो बचपन से उसको ट्रेनिंग दे रहा है, तो अगर वो उसको भी रखना चाहेगा तो उसको भी होगा। तो ये जो हमारे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है इसको हम बड़ा विशेष महत्व देकर, और इसमें जो एथलीट है जो खिलाड़ी है उसकी पर्सनल मॉनिटरिंग का काम भी हम करेंगे जाके। इसके साथ साथ खिलाड़ी को जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उसमें फिजियो है, उसमें मेश्योर है, उसमें स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, उनको भी करेंगे। हमने पिछले दिनों के अंदर जो डाइट अलायंस थे और जो फूड सप्लीमेंट्स थे उनको भी बढ़ा दिया है, मुझे अमाउंट बताने की ज़रूरत नहीं है। और ACTC जो हमारी स्कीम है उसमें हम फेडरेशंस को ग्रांट्स देते हैं, और आप ये मान के चलिए कि हमारे देश के अंदर फेडरेशंस की
एक बहुत बड़ी भूमिका है। उनको प्लेयर्स का चयन करना होता है, उनको कोचेस अपॉइंट करने होते हैं, उनको उसके बाद टीम्स को भेजना होता है। तो हमने कोशिश की है कि जो फेडरेशंस हैं उनका ये जहाँ एक तरफ हम ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम उनके साथ करेंगे। खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक मिनिस्टर उनके पास ऐसा है जिसको 24/7 कोई भी खिलाड़ी मिल सकता है। आज आप देश के अंदर एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं ढूंढ सकते जो कहे कि उसने मंत्री को मिलने की कोशिश की थी और वो मंत्री को नहीं मिल पाया या उसकी ग्रीवियंस जो थी वो दूर नहीं हो पाई थी। जब मैं कोच लेड की बात करता हूं तो उसका मतलब ये है कि हमने फेडरेशंस को कहा है कि आप कोचिस के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करें, ना केवल साई कोचों को ढूंढने में मदद करें बल्कि फेडरेशन को भी कोशिश करनी चाहिए कि बेटर से बेटर कोचेज जो हैं उनको हम करें। और फिर हम साथ में एक नया प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं कि हमारा जो पटियाला है उसके अंदर जो हमारा कोचिंग सिस्टम है उस कोचिंग सिस्टम को हम अपने इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोर्सेज से हम उसको जोड़ रहे हैं ताकि हमारे कोच जो इंटरनेशनल जो उनके कोर्स हैं और इंटरनेशनल जो टेक्निक हैं उन सब बात को समझें। ये एक फर्स्ट ग्रेड लेवल पे होगा और एक दूसरा ग्रेड को होगा जी। और हम ये जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोर्सेज हैं इनको हम अपने कोर्सेज का और अपने कोचेज की ट्रेनिंग के लिए उसको एक इंटीग्रेट पार्ट बनाएंगे। पिछले दिनों के अंदर हमने बहुत सारे फॉरेन कोचेज की अपॉइंटमेंट की है और हम ये समझते हैं कि जहाँ जहाँ हमको लगा है कि भाई इस खेल के अंदर हमारे खिलाड़ी को फॉरेन कोच की जरूरत है वहाँ वहाँ हमने कोई अपॉइंटमेंट करने में कोई देर नहीं की है जी। इसी तरह से अभी हम फॉरेन फैकल्टी का भी प्लान कर रहे हैं। ये फॉरेन फैकल्टी ग्वालियर पटियाला जहाँ भी हमारे ये हैं वहाँ पर जो हमारे टीचर्स ट्रेंड हो रहे हैं उनको भी पढ़ाएगी। और इसके अलावा अभी हम ट्रेनिंग के समय जब ये कोच ज्वाइन करते हैं तो इनकी एक इंडक्शन ट्रेनिंग होगी जिसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है जी। हमने ये भी डिसाइड किया है हुआ है कि और हमने इसको लागू किया है कि जो कोचेस हैं उसमें से 50% कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाएंगे ताकि उनको परफॉर्मेंस के हिसाब से हम आगे उनसे काम हम ले सकें जी। और एक कमेटी होगी जो टाइम टू टाइम इनका रिव्यू करेगी, परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगी। जितने एग्जिस्टिंग कोच हैं, ये पहली बार हो रहा है, जितने एग्जिस्टिंग कोच हैं करीब अराउंड 1000 उन सब का हमने अप्रेजल की बात की है कि ताकि उनका मेडिकली और फिजिकली उनको हम चेक कर सकें कि आर दे फिट और नॉट, ताकि उनके ऊपर भी हम रिपोर्ट बनाएंगे जी। अभी हम अपने कोचिस को फॉरेन भी भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। पहले ही बर्गिंगम के अंदर 25 कोच को का एक डेलीगेशन एक टीम हमारी जा चुकी है जी। और हमने अब ये तय किया हुआ है कि जो कोचिस हैं वो ही जो टीम सेलेक्ट होगी उसका मेजर पार्ट होंगी, ना कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। तो मैं समझता हूँ ये सबकी सहमति से हम इन चीज़ों को संभव कर पाए हैं। जब मैं सिस्टम ड्रिवन की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हमारे नेशनल कोचिंग कैंप्स के अंदर हम जोर दे रहे हैं और नेशनल कोचिंग कैंप्स के अंदर जोर देने में सबसे अच्छी बात है कि हम उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्री कैंप, ड्यूरिंग कैंप, आफ्टर कैंप। एक प्लेयर को क्या करना है उसके लिए पहले ही हमने अपने सिस्टम बनाए हैं जी। इसके अलावा हमने नेशनल ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं जी, नेशनल ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं और जिसमें काफ़ी बड़े खिलाड़ी नेशनल ऑब्जर्वर्स नियुक्त हुए हैं। मसलन खजान सिंह हैं, मसलन अभिनव बिंद्रा हैं, कर्णम मलेश्वरी है, सुशील कुमार हैं। ये जो नेशनल ऑब्जर्वर्स हैं ये निगाह रखेंगे सिलेक्शन के ऊपर, ये निगाह रखेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर, ये निगाह रखेंगे कैंप्स के ऊपर और हमको रिपोर्ट देंगे। और अभी स्विमिंग और बॉक्सिंग की रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि ये सब चीज़ें लागू हो गई हैं, लागू करनी नहीं है, ये लागू हो गई हैं जाकर।
और ये लोग हमको एथलीट से डायरेक्ट इनपुट देंगे अगर कोई भी उनकी प्रॉब्लम होगी तो। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्कीम्स हैं और जो नई चीज़ें हैं, पर मैं आपको ज़्यादा इस पर जोर ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम मेडल्स की बात करते हैं, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा काम आने वाली हैं जाके। और अभी हम ये भी हमने कहा है, पिछली बार कुछ डिस्प्यूट विवाद हुए थे कि जो भी टीम्स बाहर जाएंगी उनके मेडिकल जो चेकअप है वो हर प्लेयर का कंपलसरी होगा जाके। और इन दिनों के अंदर आपको मालूम है कि नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी पे हम काफ़ी जोर दे रहे हैं। पिछले दिनों में अभी पीटी उषा जी की जो एकेडमी है उसको इनॉग्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और मैं जाने वाले हैं, और इसी तरीके से मैरी कॉम, अश्विनी नचप्पा, गोपी चंद और लोगों को भी एक अच्छी खासी असिस्टेंस जो है वो हमारी मिनिस्ट्री साई और साई इन लोगों को देती है। आखिर हमारी जो अपनी एकेडमीज हैं वो चली रही हैं, 13 एकेडमीज हमारी अलग चल रही हैं। इसके अलावा रीजनल एकेडमी भी हमारे देश के अंदर हमने शुरू की हुई हैं। जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड, उसके बारे में आप सब जानते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है कि हमारे देश में खेलों की बड़ी जिम्मेदारी फेडरेशन और आईओए के ऊपर है। मंत्रालय ने एक सीधा लिया है कि जो भी गलत चीज़ होगी मंत्रालय उसको सपोर्ट नहीं करेगा जी।